जिनकी वाणी से मिलता आगम का विशुद्ध ज्ञान, जिनके समागम से मिलता भक्ति और ज्ञान का विशुद्ध मेल, जिनके सहज वाचन से मिलता आत्मा को विशुद्ध सत्संग, ऐसे आचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल देशना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक परिवार हैं स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी, श्री पदम चंद जी छाबड़ा, श्रीमती उषा देवी, श्री कैलाश चंद्र जैन, श्रीमती आकांक्षा जैलेश जैन एवं कुशल जैन, समस्त परिवार कोलकाता। पुण्यार्चक बनने के लिए संपर्क करें विशुद्ध देशना प्रसारण केंद्र, अनुराग भैया, सीहोरा, 9630555001, वैभव जैन, बड़ा मलेरा, 9977434343। पूर्व सिद्ध वाहिनी की एक जड़गवान संतिराम स्वामी की जय, एक जड़गवान महावीर स्वामी की जय, पूर्व पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय, पूर्व पूज आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी मुनि महाराज की जय, समय विश्व धर्म की जय। बोलिए आचार्य भगवान आचार्य चर्य श्रोमणि आचार्य विशुद्ध सागर महा मुनिराज की जय। बोलिए समस्त आचार्य संघ की। जिनकी वाणी से मिलता आगम का विशुद्ध ज्ञान, जिनके समागम से मिलता भक्ति और ज्ञान का विशुद्ध मेल, जिनके सहज वाचन से मिलता आत्मा को विशुद्ध सत्संग, ऐसे आचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल देशना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक परिवार हैं स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी, श्री पदम चंद जी छाबड़ा, श्रीमती उषा देवी, श्री कैलाश चंद्र जैन, श्रीमती आकांक्षा जैलेश जैन एवं कुशल जैन, समस्त परिवार कोलकाता। पुण्यार्चक बनने के लिए संपर्क करें विशुद्ध देशना प्रसारण केंद्र, अनुराग भैया, सीहोरा, 9630555001, वैभव जैन, बड़ा मलेरा, 9977434343। बंधु भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु स्वभाव को अनंतात्मक दृष्टि से देखा, अनंतात्मक दृष्टि से जाना। वस्तु धर्म को समझने के लिए पूर्ण तटस्थ होने की आवश्यकता है। जब तक आपके मस्तिष्क में इंद्रिय सुख की आकांक्षा है, तब तक ज्ञान योग किंचित मात्र भी वस्तु धर्म पर तुम्हारा लक्ष्य नहीं होगा। और जिस जीव को वस्तु धर्म दिखेगा, वह मानव में मानवता को ही मात्र नहीं देखेगा, हर प्राणी के अंदर वो चेतनत्व को देखेगा। जब चेतनत्व को देखेगा राहुल, तो वायु कह के जीवों की हिंसा भी नहीं करेगा। जितने पवंख की हवा प्राप्त कर रहे हैं, वे जिनवाणी में भी विघ्न कर रहे हैं। जब प्रत्येक जीव को जीवत्व की दृष्टि से देखेगा, उसके लिए हृदय की विराटता, चित्त की निर्मलता, वस्तु स्वभाव का निर्णय करने की क्षमता, ये बहुत गहरा विषय है।
अपनों को अपना देख लेना ये तो सिंगनी भी जानती है। अपनों को अपना देख लेना ये तो बिल्ली भी जानती है। लेकिन पर के पुत्रों को भी अपने जैसा देखे ये मित्र मानव हृदय की साधुता ही जानती है। मानव हृदय की साधुता ही जानती है। इस शब्द का ध्यान रखना। अपनों को अपना कह लेना, अपनों में अपना राग दिखा लेना, ये तो सिंगनी भी अपने बच्चे को दुलार देती है, बिल्ली भी अपने बच्चे को दुलार देती है। जब समझो बिल्ली तू, कुछ माँ अपना तेरे अंदर है, चूहे को भी अपने बेटे जैसा देखने लग जाए। और मित्र एक सिंग शिंगनी हिरण के ऊपर टूट पड़ती है, गाय बैल भैंस कोई भी जानवर मिल जाए उन पर टूट पड़ती है। ओहो, जिस मुख से अपने बच्चे को सहलाती है उस मुख से अहो सिंगनी हिरण को क्यों खाती है। माताओं समझो धर्म की व्याख्या। जहां तुम जन्मे हो, जिस कुल में जन्मे हो, जिस वंश में जन्मे हो, उसकी प्रशंसा करना सरल है। प्राणी मात के प्रति करुणा बरसाना बहुत कठिन है। जिनका जन्म महोत्सव अन्वेष भैया ये लोग मना रहे हैं, जिन तीर्थंकर परमेश्वर का जन्म कल्याणक मना रहे हो, उन तीर्थंकर भगवान से मिलना के प्रभु आप विश्व बंदनी कैसे बन पाए हो। विश्व बंदनी बनने के लिए, विश्व बंदनी बनने के लिए विश्व के प्रति एकत्र बुद्धि स्थापित करना पड़ती है। जब तक एकत्र बुद्धि स्थापित नहीं होगी तब तक विश्व बंदनी नहीं बन सकते हो। विश्व बंदनी बनना चाहते हो, विश्व वंदनी बनना चाहते मित्र चक्रेश, तो विश्व के बद और बदनाम करने का त्याग करना पड़ेगा। अपनी डायरी पर लिख लेना है शब्द को। विश्व वंदनी बनने की जिनके अंदर आकांक्षा है, विश्व पूज्य होने की जिनके अंदर आकांक्षा है, किशोर भैया उन सारे जगत के लोगों से कहना तुमको विश्व वंदनी बनने की यदि भूख है तो सबसे पहले विश्व को बदनाम करना और विश्व का वध करना, इन दो का त्याग करना पड़ेगा। जब तक विश्व का वध करने का त्याग नहीं किया और विश्व को बदनाम करने का त्याग नहीं किया, वे तीन काल में विश्व वंदनी नहीं बन सकते हैं। विश्व वंदनी बनने के लिए पंडित जी बहुत पुरुषार्थ चाहिए। सम्मेलन शिखर के पर्वत पर चढ़ने के लिए मात्र सम्मेलन शिखर के पर्वत पर चढ़ने के लिए मात्र दो पैर तुम्हारे व्यवस्थित चाहिए, दो पैर सुंदर चाहिए, दो पैर सुंदर चाहिए। सम्मेलन शिखर के पर्वत पर चढ़ने के लिए लंगड़ापन नहीं चाहिए, लूलापन नहीं चाहिए, दो पैर सुंदर चाहिए हपाबत जी। लेकिन तीन लोग के शिखर पर पहुंचने के लिए मन के परिणाम विशुद्ध चाहिए। पैरों से सिद्धालय नहीं पहुंचोगे, परिणामों से सिद्धालय पहुंचोगे। शिखर जी की वंदना तो तुम पैरों से चढ़ सकते हो, लेकिन सिद्ध शिला की वंदना के लिए रत्नात्रेय के चरण चाहिए, आचरण चाहिए, आचरण चाहिए। मोक्ष मार्गी के भेष में आकर के भी आरंभ समारंभ समुरंभ समारंभ आरंभ रूप परिणाम की प्रवृत्ति का परमन समाप्त यदि नहीं हो पा रहा है तो मित्र विश्वास रखना आपके मनोगुप्ति का पालन नहीं हो पा रहा है। और जब तक मनोगुप्ति का पालन नहीं हो पा रहा है तब तक सिद्ध शिला की प्रशंसा करते रहने, लेकिन सिद्ध शिला पर पहुंच नहीं पाएंगे। सुधीर भैया मुमुक्षु मधुबन मतिमान, मतिमान यानी बुद्धिमान, मतिमान पुरुष लिखते नहीं,
उन पर लिखा जाता है। मतिमान पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ चुके होते हैं, उन्हें लोग पढ़ते हैं। अनमेष लाइन पर ध्यान रखना, मतिमान लोग जो लिख के चले जाते हैं उसी दुनिया लिखती रहती है, लिख नहीं पाते। मतिमान पुरुष भीड़ में नहीं होता, बुद्धिमान पुरुष भीड़ में नहीं होता। मतिमान पुरुष जमुना प्रसाद जी, मतिमान पुरुष भीड़ में नहीं होता, बुद्धिमान पुरुष भीड़ में नहीं होता। बुद्धिमान के पीछे भीड़ होती है, वो भीड़ में नहीं होता है। बुद्धिमान के पीछे भीड़ होती है। तीर्थंकर महावीर की भीड़ नहीं थी, तीर्थंकर महावीर के पीछे भीड़ थी। ज्ञानियों की भीड़ नहीं होती है, ज्ञानियों के सामने भीड़ होती है। ज्ञानियों की भीड़ नहीं होती सेठ जी, ज्ञानियों की भीड़ नहीं होती है, ज्ञानियों के पीछे भीड़ होती है। आप भीड़ का सदस्य बनना चाहते हो, आप भीड़ का सदस्य बनना चाहती हो कि ज्ञानियों की संख्या बढ़ाना चाहते हो? क्या हो गया? अभी कुछ क्षण पूर्व जब चक्रेश हो रहा था तो बहुत हल्ला चल रहा था, वो हल्ला कहां ब्लीन हो गया? ज्ञानियों की भीड़ नहीं होती है, ज्ञानियों के सामने भीड़ होती है। इस शब्द को याद कर लीजिए, ज्ञानियों की भीड़ नहीं होती है, ज्ञानियों के पीछे भीड़ होती है। अब देख लीजिए, आप भीड़ के मध्य के लोग हो कि ज्ञानियों के मध्य के लोग हो? भीड़ जहां चलती है ज्ञानी वहां नहीं चलता है, ज्ञानी जहां चलता है भीड़ वहां चलती है। भीड़ जहां चलती कुबेर भैया, भीड़ जहां चलती हो ज्ञानी नहीं चलते। जहां पर ज्ञानी जन चलते हैं वहां पर भीड़ चलती है। पर ज्ञानी को ज्ञानी ही होना चाहिए। ज्ञानी के अंदर यदि अज्ञान छा गया पूरे विश्व को नाश कर देगा वो ज्ञानी। पंडित जी, महिपाल जी, मित्र, मेरी बात पर ध्यान दो। ज्ञानी पुरुष को अज्ञानी नहीं होना चाहिए। जिसको ज्ञानी की चिट लग चुकी है उसे विवेक से ही काम लेना चाहिए। यदि वो अज्ञान से काम करने लग गया, मारीची अज्ञानी नहीं था, ज्ञानी था। मारीची अज्ञानी नहीं था, ज्ञानी था। उस ज्ञानी मारीची के अंदर मिथ्यात के अज्ञान का चिट लगा के घूमने लग गया, उसने 363 मिथ्या पंथ बना दिए। उस ज्ञानी अज्ञानी का प्रभाव ये हुआ कि मेरे मित्र मारीची सामान्य आदमी नहीं था। बालक वो ज्ञानी, बेटा खड़ा हो जाना। हाँ ऋषभ, बालक सुंदर शरीर, गोरा बदन, खिलता चेहरा, इतनी सामग्री तुमको मिल गई। इसको देख करके बहुत सारे लोग चेहरे को देख करके रिझते हैं। इस चमकते चेहरे पर बेटा तुम्हें ज्ञान मिल गया, भीड़ तुम संभाल नहीं पाओगे। लेकिन उस भीड़ के मिलते ही विवेक विलीन हो गया, बेटा तुमसे भीड़ का नाश हो जाएगा, उस भीड़ का नाश हो जाएगा। बोले क्यों? भीड़ चेहरे को देख के आई थी, उस चेहरे ने इतनी विपरीत बातें कर डाली, लोग उसी को स्वीकार कर लिए। बेटा ऋषभ, इसी चमकते चेहरे पर, गौर बदन पर, सुंदर मुख के और ये जिह्वा तुम्हारी तत्व
ज्ञान से भर के निकलने लग जाए बेटा, तेरे द्वारा लाखों जीवों का कल्याण होना प्रारंभ हो जाए। इसलिए महीपल पंडित साहब सभा मिलते ही, सभा मिलते ही ये मत सोचना कब कब मिलेंगे। ऋषभ सुन ध्यान से, बंदर देखा, बंदर को खाना खाते देखा, अच्छी सामग्री मिल जाए वो दोनों हाथों से फटफट अंदर रखता है, और दोनों हाथों से थक जाए तो सीधा मुख से भरता है, लेकिन फिर गले में भर लेता है, एकांत में जाके फिर खाता है। तत्व ज्ञान के लिए तो हमें बंदर बनना चाहिए, तत्व ज्ञान के लिए बंदर बनना चाहिए, पर विषय कसाय के ज्ञान के लिए मानव बनना चाहिए। बालक समझ में क्या बोल रहा हूं? तत्व ज्ञान के लिए बंदर बनना चाहिए, जहां सच्चा ज्ञान मिलता हो वहां फट फट भर लेना चाहिए, और ज्यादा मने चारों ओर से, दोनों कानों से, पांचों इंद्रियों से तत्व ज्ञान स्वीकार कर लेना चाहिए, और जब एकांत में जब बैठो एक एक ज्ञान के पटल का निर्णय करना चाहिए। जैसे बंदर बादाम भर लेता है और फिर बाद में निकाल करके दांतों से, डालों से तोड़ तोड़ के खाता है, ऐसे ज्ञानी जन जो होते हैं किशोर भैया, चारों तरफ से ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, फिर उस ज्ञान को विवेक पूर्वक चिंतन करके पचाते हैं। तत्व ज्ञान के लिए बंदर बन के बैठना, लेकिन कोई विपरीत बातें सुनाए उसके लिए मानव बन के बैठना। कौन सा मानव? विवेकी मानव। ऐसा नहीं है जो मिला तुरंत स्वीकार कर लो, तुरंत स्वीकार कर लो। मित्र ऋषभ, भोजन दूसरे का हो सकता है, पेट तेरा है। ऐसा नहीं है कि मिल गया तुरंत भकना प्रारंभ कर दो, मटर टमाटर भी खा लिया, मटर भी खा लिया, दही भी पी लिया, काली भी पी ली, लस्सी भी पी ली, गन्ना का रस भी पी लिया, संतरे का रस भी पी लिया, थोड़ी देर बाद किशोर भैया ने कहा बेटा आ मूंगफली चबाते हैं, अरे मूंगफली भी चबा ली। वो अनिमेश पहाड़े कहता आओ हम बादाम खिलाते, बादाम खाने बैठ गए तो वो महात्मा अभावत आया, वो कहता आओ हम आपको मौसम्बी का रस पिलाते नागपुर का। बेटा ठीक है, आप मेरे चेहरे को देख करके मुझे सब खिला रहे पिला रहे हो, इस बात का ध्यान रखना बेटा कि भोजन दूसरे का, रस दूसरे का, रस पीने से चेहरा नहीं चमक रहा है, प्रभु भक्ति की करके आयु उससे चेहरा चमक रहा है। बहुत जल्दी जो व्यक्ति प्रेम का रस पीने बैठ जाता है, बहुत जल्दी जो राग का रस पीने बैठ जाता है, बहुत जल्दी मेरे मित्र जो ज्ञानियों जो दुलार का रस पीने बैठ जाता है, उन सबके चेहरे विकृत हो जाते हैं। जो मेरे मित्र किसी का रस नहीं पीते हैं, मात्र जिनवाणी का रस पान करते हैं, उनके चेहरे जीवन पर्यंत चमकते हैं। उन्नति चाहते बेटा शीघ्र किसी से प्रभावित मत होना, हर व्यक्ति तुमको पकड़ना चाहेगा, हर व्यक्ति तुमको सच कुछ चाहेगा। जीवन में ध्यान रखो, जिस दिन बारिश होती ना रुसदीर अपने पड़ोसी से पूछो, जिस दिन बारिश होती है भैया गाड़ी से जाता है लेकिन गाड़ी के कांच पर कुछ लगा रहता है, वो क्या है? क्यों, क्या हो सकता? यानी बारिश होती तो बाइपर चलना प्रारंभ हो जाता है,
आपकी गाड़ी के कांच पर बोले पानी तो गिरे गिरने दो, लेकिन बाइक पर क्या कर रहा है, एक भी पानी की बूंद कांच पर टिकने नहीं दे रहा है। बोले पानी की बूंदें टिक गई ना तो आगे मार दिखना बंद हो जाएगा, दुर्घटना घट जाएगी। ऐसे बालक समझ, मैं ऋषभ को मात नहीं समझ, सारे युवाओं को समझा रहा हूं बेटा, जहां ज्यादा दुलार के पानी बरसने लग जाए वहां तुम बाइक पर लगाना अपने दिमाग पर, तुरंत हटा देना उसको दुलार को, नहीं तो दुर्घटना घट जाएगी, उन्नति बिगड़ जाएगी तुम्हारी। प्रेम की रिमझिम पानी की बूंद भी अनमेष पाड़े संभल के देखना। अधिक दुलार दे अपरिचित आदमी, अधिक प्रेम दे अपरिचित आदमी, धीरे से खिसक जाना वहां से, धीरे से अपना मार चुन लेना। अपने पिता से इतने सीखना कि अधिक दुलार मिल रहा जहां पर, अधिक दुलार मिल रहा जहां पर, विचार रखना, ध्यान रखना। जैसे चक्रेश भाई अच्छे से पुचकारा समझ लो, जरूर बोली लगाना वहां चाह रहा है, यानी जहां दुलार मिले, जहां दुलार मिले और कुछ मिलने वाला है। गुरु दुलार नहीं देते, गुरु दुलार नहीं देते बेटे ऋषभ, दुलार वो देता है जिसे कुछ चाहिए पड़ता है। गुरु दुलार कभी नहीं देते, गुरु ज्ञान देते हैं, वे पुचकार के नहीं देते हैं, वे संभाल के देते हैं। सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। शेट्टी जी मुमुक्षु गिरिडी, मुमुक्षु गिरिडी, जिस दिन आप दूसरे को दुलार दे रहे थे, देते देते कुछ सोच लेते, बेटा ऋषभ देख ऐसे टिची दुकान चलाते क्या है, ट्रांसपोर्ट का काम करते हो, अच्छा कितना भाड़े वाला आदमी है, भाड़ा ढोते ना, ट्रांसपोर्ट का मतलब सामान भेंग इधर उधर करना ना, अच्छा ट्रैक्टर है, ट्रक है, अच्छा अच्छा बेटा देख ये ज्ञानी इतना भोला भाला कब से हो गया है कि दूसरे का वजन ढोए। बेटा ऋषभ पूछ लो ना बेटा, बोले सेठ जी इतने भोले कब से आप कि दूसरे का वजन आप ढोते रहते हो। भाड़ा ढोते समय, दूसरे का सामान उठवाते समय इतने भोले कब से आप हो गए हो कि दूसरे का सामान, हजारों किलोमीटर का सामान इधर से उधर आप करवाते रहते हो, इतने सीधे साधे आप कब से हो गए हो मित्र। अच्छे से पूछ अपनी भाषा में, बालक इस जगत में कोई भी भोला नहीं है, ना तेरी मां भोली है ना तेरा पिता भोला है बेटा समझ। यदि मां बहुत दुलार से थाली परोस के तेरे पिता के लिए लाए, तू अब सुन, तू बच्चा नहीं बच्चा समझदार हो गया, दूर से देखना आज मां का दुलार इतना बढ़िया क्यों चल रहा है, जरूर पिता को ठगने की साजिश है, इसमें शंका मत करना बेटा, बिल्कुल शंका नहीं करना। मैं तो बिल्कुल, लोग मुझे क्यों नहीं ठग पा रहे, जो हमें ज्यादा दुलार देते हैं पहले ही समझ जाता। ओहो मां भी यदि पिताजी को बहुत प्रेम से खिला रही है बेटा समझ, आज जरूर बाजार में कोई नई साड़ी आई है। ओहो सिटी जी भाड़ा ढोते समय जो किराया मिलने वाला है
उसमें शक्ति है कि भाड़े में शक्ति है? दे ज्ञानी, किराया ना मिलता होता तो भाड़ा क्यों ढोता? किराया ना मिलता होता तो भाड़ा क्यों ढोता? हर व्यक्ति जो भी कुछ कर रहा है उसे अंदर कुछ दिखता है, जो आंखों के सामने है वो क्रिया हो रही है, आंखों के अंदर है वो फल है। यहां पर जो पंचकणक मना रहे ना ये लोग, लाखों खर्च करते दिख रहे हैं, पागल मत सोचना तू, इनसे प्रभावित मत होना कि लाखों खर्च कर रहे हैं। अरे ये ट्रक के ट्रक रखे हुए हैं और दूसरे का माल ढोलता है, उसको किराया दिखता है। ऐसे जो भगवान की भक्ति करते दिख रहे हैं, लाखों खर्च करते दिखते हैं, उन्हें भविष्य के करोड़ों दिखाई दे रहे हैं। पुण्य आएगा कि नहीं आएगा? पुण्य आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए बिना मतलब के कोई चलता है क्या बेटा? जोर से बोलना, नहीं चलता ना। मेरा मतलब कोई चलता है क्या बेटा? नहीं चलता ना। यदि तेरा पिता कभी डांटने खड़ा हो जाए, बेटा ऋषभ इधर देख, मेरी बात सुन, मैं न होता तो तू कैसे होता, मेरी बात सुन। तू धीरे से कहना, पिताजी ढोक मारता हूं, मेरी बात सुनो, मैं न होता तो तुमको पिता कौन कहता है? बोले मैं ना होता तुमको पिता कौन कहता? इसलिए जितना सम्मान मैं आपका रखता हूं उसे कई गुना सम्मान आप मेरा रखिए, हमने आपको पिता बनाया है। बराबर हैं? बराबर हैं? अब पिता ज्यादा ऊपर ना उठें, बेटा भी पिता होता है। चिट्टी जी, बेटा भी पिता होता है, संभल के जीना, बेटा भी पिता होता है। तुम जन्म देने वाले पिता हो, वो तुमको पिता कहने का पिता है। इसलिए संभल के जियो, बिराजो, इसलिए संभल के जियो। बेटा तुझे किसने बिठाया है? कौन है? फूफा जी है। मतलब कोई किसी को खड़ा देख नहीं सकता, ये दृष्टि इनकी। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। उनसे कहूं भगवान बाहुली स्वामी एक बरस तक खड़े रहे, उसे एक बरस खड़े होने का परिणाम यह है कि तीर्थंकर से छोटे होने पर भी आज विश्व में तीर्थंकर जैसा नाम चल रहा भगवान बाहुली। खड़े रहो, यदि खड़े रहे ना तो हो सकता है वहां खड़ा ना होना पड़े कि पहले झुक के माला पहनना पड़े, फिर जीवन भर माला पहनाना पड़े। ऐसा मार्ग चुनना, न किसी गले में माला पहनना किसी की, न किसी गले में माला पहनाना, हाथ में माला रहे। हाथ में माला रहे, ये माला पहनने वाले और माला पिलाने वाले ये क्षण मात्र के होते हैं, बाद में उनको नीचे बैठना पड़ता है। जो माला ना पहनता है ना पहनाता है, मात्र माला जपता है, वो मेरे मित्र विश्व में माला माल होता है, उसका नाम योगेश्वर होता है। देखो ये 10-12 पहने गटर माला, देख लो ऋषभ, ऋषभ देख चक्र इसको, कितनी माला पहन लो चक्रेश, कितनी माला पहन लो। जो पहनी गई माला है वे उतर जाएंगे, यदि मन की माला फिर गई वो कभी उतरने वाली नहीं। ऋषभ बैठना है, खड़े होना है, जगत किस कह देना, जगत से कह देना कि मैं भी चाहता हूं मेरे गले में माला ना हो, मेरे हाथों से किसी गले में माला ना जाए,
मेरे हाथों में ऐसी माला आ जाए तो विश्व मेरी माला फेरेगा। बैठ जा, बैठ जाओ भैया। अब सुन ध्यान से, गदिया कभी खिन्न मत होना, कभी प्रसन्न मत होना। आज जिन वाणी सुन रहे हो भगवान पारस प्रभु की चरण निष्ठा में, तो खिन्न होने वाले भी बहु बिगाड़ लेते हैं, प्रसन्न होने वाले भी बहु बिगाड़ लेते हैं। पर वस्तु के अभाव में खिन्नता आती है, पर वस्तु के सद्भाव में प्रसन्नता आती है। जहां पर वस्तु का न अभाव हो न सद्भाव हो, जहां मेरे मित्र निज आत्म देव का सद्भाव जहां पर है, वहां प्रसन्न नहीं हुआ जाता है, खिन्न नहीं हुआ जाता है, आह्लादित होता है। उसका नाम दिगंबर योगी स्वर होता है। ऐसा कोई आपको आदि मिलेगा, आप लोग तो उसको पागल कहोगे। सामने आई मालाओं को यूं कर दे, हर जगत में संत महात्मा नेता अभिनेता सम्राट सामान्य पुरुष सब माला के लिए यूं गला करते हैं, और दिगंबर मुनि ऐसा होता है जो माल माला दोनों को यूं कर दे। न माल पर दृष्टि प्रशांत, न माल पर दृष्टि, न मालाओं पर दृष्टि मित्र। माल माला से जो दूर हो जाते हैं उनकी बनती जयमाला, उनकी गाई जाती जयमाला। जो माल उल मालाओं से, माल उल मालाओं से, माल माला अबलाओं से दूर रहते हैं उनके नाम की माला फेरी जाती है। जो माल माला अबलाओं के साथ रहते हैं वे मित्र, उनको मल के स्थान पर बैठना पड़ता है। अब चाहे पंडित खाज खुजाओ, सिर खुजाओ, चाहे कुछ करो, जो है सो है, जो है सो है। अतुल अपने मित्र सुधीर से कह देना, ज्ञानी यमराज से बच के आया है, अब माल में नहीं जाना है, अब लाओ में नहीं जाना है, अब भगवान के नाम की माला फिरना है। किशोर भैया, सुधीर भैया खड़े होना जरा। किशोर भैया, जब हम सब मिश कर आए मधुबन में, पहला वक्ता मिला, कुछ दिन बाद मेरा वक्ते का दिख श्रोता मिला, उसको दिखना ही बंद हो गया। मैंने अतुल से पूछा, मेरा श्रोता नहीं दिख रहा है। तो बेचारा का चेहरा उदास हो गया अतुल का। मैंने क्यों महाराज जी, सुधीर को कोरोना हो गया, लेकिन हॉस्पिटल में वो वहाँ का पानी भी नहीं पी रहा, रात्रि में खाने नहीं खा रहा है वहाँ पर। मेरे पास समाचार, गुरुजी कहेंगे तो खा लेंगे। मैंने कहा मित्र लाखों चले गए खा खा करके, जाना भी पड़े तो ऐसे जाओ कि विशुद्ध सागर प्रवचन में कहे उसने प्राणों की चिंता नहीं की, प्रण की चिंता की है, और प्रण को नहीं तोड़ा, आज वो सामने खड़ा है। डॉक्टर ने कहा तुमको रात्रि में खाना पड़ेगा, हॉस्पिटल से समाचार मेरे पास भेजा। गुरुजी कहें तो गुरुजी इतने ढीले पीले थे ही नहीं, गुरुजी ने कह दिया मित्र प्राण चले जाए प्राण मत तोड़ना, लेकिन मित्र प्राणों को हारना पड़ा, कोरोना को हारना पड़ा, लेकिन प्रण का प्रभाव है कि प्राण भी बच गए और प्रण भी बच गया। छोटे मोटे काम में कभी संयम तोड़ने के लिए कभी मन नहीं करना। सुधीर इस बात को लाखों को समझा देना कि मैं भी कोरोना से पीड़ित हुआ था, लेकिन कोरोना को हारना मारना पड़ी, पर हमने रात्रि भोजन नहीं किया। बैठ जा भैया। अब माला फेरने के लिए बच्चे अपन लोग, मैं तो सबसे कह रहा हूं जितने सुरक्षित हैं सब माला फेरने के लिए सुरक्षित हैं, माल के लिए और माला के लिए नहीं। हो माला फिरने के लिए सुरक्षित हो। ज्ञानी एक प्रश्न है, भोपाली आपके भोपाल में एक बहुत बड़ा मैदान था,
इकबाल मैदान में जहाँ आपने प्रवचन कराए थे, याद है आपको? बाप रे, अहिंसा मैदान, अहिंसा मैदान में आपने प्रवचन कराए। किशोर भैया, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, कितनी बड़ा मैदान हो, कितनी लाखों की भीड़ हो, जब जब मैं बोलना प्रारंभ करता हूँ ये सन्न क्यों हो जाते, क्या बुरा लगता है इन सबको? वही मैं निमिया घाट में देख रहा हूँ, मंडप भरा होने पर भी सुन, ये माताएं 2 मिनट शांत नहीं बैठ सकती हैं, बेबी मौन लिए बैठी है। ये परम सत्य है, ये परम सत्य है, ये परम सत्य है। डंडा लेकर के लोगों को चुप करने के लिए खड़े होकर घूमना ये धर्म नहीं है। बिना डंडा लिए और लोग चुप रहें, ये जिनवाणी की महिमा है। इसलिए ज्ञानी, जहां जहां संत महात्माओं के पास आप जाएं, उनका विनय करें, पर साथ में इस बात को जरूर कहें, स्वामी सत्य कहूं, स्वामी सत्य कहूं, माला तो बरमाला मेरी पत्नी ने डाल दी है। तिलक जब वो पंडित फेरे पड़वा रहा था, उसने भी मुझे तिलक लगा दिया था। इसलिए स्वामी प्रशंसा बहुत कवियों से मैंने सुनी है, आपके श्रीमुख से न मैं माला की प्रशंसा सुनना चाहता हूँ, न आपके हाथ से माथे पे तिलक लगवाना चाहता हूँ, न आपके हाथ से माला पहनना चाहता हूँ, मैं आपके श्रीमुख से भगवान जिनेंद की वाणी सुनना चाहता हूँ। गुरु के चरणों में अहंकार आ गया तो निदत्ति निकाचित कर्म का बंद हो जाता है, और गुरु के चरणों में विनय आ गया तो निदत्ति निकाच जैसा कर्म विलीन हो जाता है। मित्र, आटे में पानी चला गया तो अन्वेष रोटी बन जाती है, आटे में पानी चला जाए तो अन्वेष रोटी बन जाती है। ज्ञानी, दूध में पानी ज्यादा मिल जाए तो दूध का स्वाद बिगड़ जाता है। आप देख लो, आटे में पानी जाए तो रोटी बन जाती है, और ऋषभ बेटा दूध में पानी ज्यादा मिल गया तो दूध का स्वाद बिगड़ जाता है। ऐसे बालक चित्त अपना पानी है, बालक चित्त अपना पानी है, बालक चित्त अपना पानी है। निर्गंत संत महात्माओं के चरणों में चला गया तो रोटी की भांति तुम्हारा महत्व बढ़ जाएगा, और चित्त तुम्हारा विषय कसाय में चला गया तो जीवन का स्वाद बिगड़ जाएगा। जीवन का स्वाद बिगड़ जाएगा। मैं किसी से नहीं कह रहा तुम सब साधु बन जाओ, मैं ये कह रहा हूं बस अपना स्वाद चखना सीखो, तुम अनुभव कर लेना। जब तक कोई पाप नहीं किया उन परिणामों से मिलना, और जिस दिन पाप हो चुका है उन परिणामों से मिलना। दुनिया क्या तुमको ऋषभ अच्छा बोलेगी, वो तो मोह देखी बातें करती है। तुम्हारा मन तुमको अच्छा बोले, उस दिन समझना कि मैं अच्छा आदमी हूं। भैया, अपने अपनी डायरी पर नोट कर लो, अहो ज्ञानी सूत्र बना लो, अहो ज्ञानी, दुनिया आपको अच्छा कहे अपने आपको अच्छा मत मान लेना, जिस दिन तुम्हारा मन आपको अच्छा कह दे उस दिन अपने आप को अच्छा स्वीकार कर लेना। ओ, हर व्यक्ति का मन सत्य बोलता है। भैया जमुना प्रसाद जी, हपावत जी, हर व्यक्ति का मन अच्छा बोलता है, अपने अच्छे मन को जीव बला दूषित करता है ना,
तब मन उल्टा सोचना प्रारंभ करता है। लेकिन प्रथम बार आप विश्वास रखना, आपका मन भी आपको अच्छी सलाह देता है, ये सत्य है कि नहीं? अच्छा मन होता है, अच्छा मन होता है रावण का जब, अच्छा मन होता है रावण का जब, तो अपने शून्य कक्ष में कहता मुझे सीता वापस कर देना चाहिए, श्री राम ने हमारा क्या बिगाड़ा। अच्छा मन होता रावण का जब, तो लंकेश कहता मुझे सीता वापस कर देना चाहिए। जो रावण का मन अहंकार से भरता है, तब रावण कहता एक बार राम को परास्त कर दूं, फिर सीता वापस कर दूंगा। हर व्यक्ति का मन, ये तो स्थूल बातें हैं, हम लोगों की सलाह लेके आते हैं, नहीं, सबसे सुंदर सलाह देने वाला कोई है तो मेरा मन है। हर व्यक्ति के पास दो मन है, हर व्यक्ति के पास दो मन है। एक कहता कि दीक्षा ले लो, एक कहता राज्य करो, ये सत्य है कि नहीं भैया? दो मन है ना हर व्यक्ति के पास। एक मन कहता है ऋषभ शादी कर लो, और एक मन कहता है महाराज जी के पास चलो। अब जो प्रचंड होता है वो हावी हो जाता है, दूसरा दब जाता है। यदि साधु बनने का भाव होता है, फिर भैया लाखों लाखों लोग मनाने आ जाएं, और शरीर के टुकड़े भी क्यों ना होने, बीमारी छोड़े टुकड़े भी क्यों ना हो रहे हो, तब भी मन कहता है जब बीमार हुई हूं और कहीं मरण हो गया तो संयम के साथ मरूं, क्यों असंयम के साथ मरूं। इसलिए जितनी यहां सुन रहे हैं, बहुत संभल के सुनना, जगत की सलाह लेना चाहिए, जगत से निर्णय नहीं लेना चाहिए। यशवंत यशपुर ज्ञानी, मैं क्या बोल रहा हूं, जगत की सलाह लेना चाहिए, जगत का निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्या बोला मैंने, बोलो बोलो पीछे, मैंने क्या बोला? यदि आप बता दो तो मेरी समझ में आएगी, तुमको सुनाई पड़ रहा है। कासलीवाल जी क्या बोला, जगत की सलाह लेना चाहिए पर जगत का निर्णय नहीं लेना चाहिए। ज्ञानी यदि आप पूरे कलकत्ता की निर्णय लेते ना, आप इस बनखंड में घर बना के नहीं रह पाते। हर व्यक्ति कहता कहां तुम सिटी छोड़ के जंगल में जा रहे, यूं कहता, पर उसे क्या मालूम जो हवा यहां मिलती है, वो दवा यहां मिलती है, वो कलकत्ता में नहीं मिल सकती है, बराबर। लेकिन जब आप कलकत्ता से निमिया घाट आ रहे थे, किसी ने मना नहीं किया क्या? किया था ना। लेकिन मित्र उन्हें क्या मालूम था यहां क्या है, बताओ किसके घर में पंचकणक हो रहे हैं कलकत्ता में, किसके घर में हो रहे हैं, और किसके घर में इतने निर्गंत मुनि विराजमान है? आज तुम बनखंड में ना होते, इतने निर्गंत मुनि तुम्हारे घर में भी ना होते। इसलिए मित्र जितने कौशल प्रसन्न हो ना, उसे चौगने प्रसन्न अब आप हो। कौशल एक मुकुट हारो, वो भैया को और लगा दो, बोले तुम भी पूजा करो भगवान की हमारे साथ, किसको? वो कासलीवाल जी खड़े तुम्हारे मेहमान, बिराजो भैया, विजय भैया, यशवंत नगर यशपुर, मित्र मैंने क्या कहा? ज्ञानी सलाह सबकी लेना चाहिए पर निर्णय स्वयं का होना चाहिए। बिराजो बिराजो भैया, सलाह सबकी लेना चाहिए पर निर्णय स्वयं का होना चाहिए। जो मित्र सलाह अपनी लेता है और निर्णय दूसरे का मानता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर पाएगा, उसको जीवन भर रोना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के निर्णय से जीता पवन। ओह भिंडी
सलह दूसरे के लेना चाहिए, निर्णय स्वयं का होना चाहिए। स्वातम झांझरी स्वयं का निर्णय से चलेगा और गुरु के आशीर्वाद से चलेगा तो सिद्ध सलाह पर बैठेगा, और पर के निर्णय में जिएगा तो मेरे मित्र गलियों में ही घूमते मिलेगा, सिद्ध सलाह पर नहीं पहुंच पाएगा। किसी भी विषय में सफलता चाहिए ऋषभ, निर्णय स्वयं का होना चाहिए, लेकिन स्वयं का निर्णय सम्यक होना चाहिए। पुनः सागर जी, रावण जैसा निर्णय नहीं होगा कि सीता को उठा ले जाए। अब बोलो ज्ञानी, ये गुरु है हमारे गुरु। प्रणु सागर जी, निर्णय सम्यक होना चाहिए स्वयं का। रावण जैसा निर्णय मत कर लेना कि जानकी को हरण करके ले जाए। निर्णय राम जैसा होना चाहिए जो अपनी मर्यादाओं में जीते हों। मर्यादाओं में जीना चाहिए। पारस, इस बात को दुनिया को कह देना मित्र, निर्णय राम जैसा होना चाहिए, निर्णय वर्धमान महावीर जैसा होना चाहिए, निर्णय कंस कमट रावण जैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ज्ञानी पंडित जी खड़े हो जाओ तो जल्दी समझ में आएगा। हे मित्र, निर्णय महावीर सा होना चाहिए, संपूर्ण वैभव छोड़ करके, बैशाली का वैभव छोड़ करके मेरे मित्र वो तीर्थंकर दीक्षा लेकर के आज विश्व में अहिंसा के यज्ञ का नांद किया है और हिंसा के यज्ञ का परिहार किया है। वैशाली उन्नत निर्णय होना चाहिए, निर्णय नहीं होना चाहिए उन लोगों जैसा जिन्होंने मेरे मित्र यज्ञ का नाम लेकर कोटि कोटि जीवों को हवन में झोंक दिया। ये निर्णय नहीं होना चाहिए, निर्णय अहिंसा का होना चाहिए, निर्णय राम का होना चाहिए। अपनी मर्यादा के पीछे अपनी प्राण बल्लवा सीता को भी जंगल में छुड़वा दिया, लेकिन अपने यश पर कलंक नहीं लगने दिया। पंडित जी, ऐसा आपको लगता है कि रावण ने राम की महिमा बढ़ाई है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन सत्य है रावण ने राम की महिमा नहीं बढ़ाई, राम की मर्यादा नहीं राम की महिमा बढ़ाई है। कमट ने पारसनाथ की महिमा नहीं बढ़ाई मित्र, पारसनाथ की समता नहीं पारसनाथ की महिमा बढ़ाई है, नहीं तो सारे कमट बन के खड़े हो जाएंगे, मैं महिमा बढ़ाऊंगा भगवान की। आ गया समझ में, आ गया समझ में, अच्छे से आ गया। दुर्योधन ने, दुशासन ने द्रौपदी की महिमा बढ़ाई कि द्रौपदी के सिल ने द्रौपदी की महिमा बढ़ाई? रावण ने सीता की महिमा बढ़ाई कि सीता के सिल ने सीता की महिमा बढ़ाई? सिल ने बढ़ाई। पंडित जी, ये धोती दुपट्टा तुम्हारी महिमा नहीं बढ़ाएंगे, तुम्हारा सील सत्य धर्म तुम्हारी महिमा बढ़ाएगा। महिपाल पंडित साहब, आप दिल्ली से हो? पक्का बंबई से हो? पक्के बंबई से हो? महाराष्ट्र के खेतों में मैंने देखा है, जब हरी भरी फसल होती है पूरे देश के खेतों में मैंने देखा है, एक पंडित जी जैसा आदमी खड़ा कर दिया जाता है। देखा आपने? समझ गए क्या बोलते हैं आपके यहां उसको? काग भगोड़ा, बिजू का, जो भी आप जानते हो ना, एक पुतला खड़ा होता है। अब बहुत सुंदर सुंदर आज के तो किसान भी बहुत समझदार हो गए हैं। एक जगह मैंने खेत में देखा, मालूम उस तरीके सेट किया कि वो आगे भी आता है और पीछे भी जाता है, तो लोग पशु पक्षी समझे कि कोई आदमी आ रहा है, वो दौड़ रहा था खेत में। पंडित जी, बिजुका का धर्म क्या है? बिजुका का धर्म है पंडित जी, न खाता है न खाने देता है। देश में, घर में, राष्ट्र में, विश्व में ऐसे भी लोग अनमें से न खाते न खाने देते, उसका नाम बिजुका होता है। इसलिए पंडित जी, बिजुका का जीवन नहीं जीना, जीवन ऐसा जियो एक भव्य प्राणी सुबह से अपने गेट पर कलश लिए खड़ा होता है। भो स्वामी,
अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ प्रगान कर रहा है। मुनि के हाथ पर ग्रास रख करके पहले उन्हें खिलाता है, पहले उन्हें खिलाता है, फिर परिवार को खिलाता है, गरीब कोई भिखारी आ जाए उसको खिलाता है, फिर अपने मुख में भोजन देता है। ऐसा बन सक तो बन जाना, स्वयं खाना दूसरों को खिलाना, जियो और जीने दो। ऐसा बन के जीना। आप बनारसी पंडित जी हैं, प्रतिष्ठाचार्य महिपाल जी हैं, मेरा दोनों से कहना है हर क्रिया आपकी आपके अनुकूल है, लेकिन क्रिया के पक्ष में मानवता को खोके मत चले जाना। यदि पंडित जी कोई पुरुष मुझे गाली दे, विश्वास रखना मुझे गाली दे, मुझे मालूम है मुझे गाली दे रहा है, और ऋषभ को ये भाव आ गया कि मेरे गुरु को गाली क्यों दे रहा है भाई, और ऋषभ डंडा लेके आ जाए, मैं पहले उस आदमी को नहीं बोल कुछ बोलूंगा, ऋषभ को अपने पास बुलाऊंगा, बेटा इधर आ, ये डंडा रख दे, तुमको गाली दिख रही है, गाली देना जैन धर्म नहीं है, गाली देते हुए कोई भी प्राणों की रक्षा करना ये जैन धर्म है। हम ऋषभ को अपने पास बिठा लेंगे, और जो गाली देने वाला ना उसे कहें तू भाई चला जा, पिट जाएगा, तू निकल जा, मैं ऐसा करूंगा। फिर मैं जैनियों से कह रहा हूं, ये पंत पक्षों के राग में एक दूसरे को दुश्मन मत देखो, ये क्रिया है, अखंड जैन शासन देखो। आप उन्हें गाली देते हो, वे तुम्हें गाली देते हैं, हम जैसे लोग देखते हैं तुम हो क्या, शुद्ध जैनत्व तुम्हारे पास है तो आपको मेरे मित्र कोई पक्ष पंत नहीं दिखेगा, तुमको प्राणी मात की रक्षा दिखेगी, इसका नाम जैन दर्शन है। चीटी पर पैर रख दोगे क्या, चीटी पर पैर रख दोगे क्या? पंडित जी मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, वो तो तेरा पंथी नहीं है। पंडित जी बोलिए, आप चीटी पैर रख दोगे क्या? वो बीस पंथी नहीं है। आप बोलिए चीटी पैर रखोगे क्या? जब वो तुम्हारा तेरह पंथी भी नहीं है, बीस पंथी नहीं है, तब भी तुम चीटी की रक्षा कर रहे हो, तो इन जीवों की भी रक्षा करो, इन पर कसाय मत बरसाओ, अपनी अपनी क्रियाओं में आनंद लूटो, भगवान की भक्ति का आनंद लूटो, इन पक्षों में जाकर के किसी की हत्या का विचार मत करो। जैनत्व को सी को भगवान महावीर की जय बोल करके महावीर के भक्तों को जीने दो, समझो। अहो गुप्ती धारियो, अहो समती धारियो, तुम्हारी गुप्ती समती मंचों के माइक पर ना हो, तुम्हारी गुप्ती समती भावों के अंदर हो। मन से बोलेंगे बासल्य की व्याख्या चलेगी, उस सामने दिख जाए तो दूसरे को देखना पसंद नहीं करो, तुम्हारा बासल्य किस बात का है? इसलिए मित्र यहां क्या लिखा है सुनो, पंडित जी गाथा बोल रही है, मित्र प्रणव सागर चाहे चक्रेश्वरी हो, चाहे ज्वाला मल्ली हो, चाहे पद्मावती हो, कोई भी मति हो, मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, जिन शासन की देवियां हैं सो उन्हें रहने दो, पर मैं ये जानता हूं तुम्हारा भाग्य तेज है तो सारी देवी देवता तुम्हारे साथ हैं, और भाग्य फूट गया तो एक देव साथ देने नहीं आता। तीर्थंकर ऋषभदेव से पूछो, आपको जैनत्व का बोध होना चाहिए। एक दिन मैंने कहा था मेरा साधु मैं आपको सत्य दूंगा, अब जैनत्व को समझो। तीर्थंकर ऋषभदेव से मिलो, जब कल्याणक मर रहे थे, सौदरविंद्र कहां गया? कौशल तीर्थंकर कल्याणक मनाने के लिए मित्र सौदरविंद्र खड़ा, हाथ जोड़े खड़ा रहता था 24 घंटे, लेकिन वही तीर्थंकर ऋषभदेव जब आहार चर्या को निकलते 6 महीने घूमते रहे, 6 महीने ध्यान किया मेरे मित्र, तब वो देवता कहां विलीन हो गया? सौदरविंद्र किसी से नहीं कह सकता था कि ऐसी विधि बना लो, अरे निज का भाग नहीं था भगवान का तो विधि नहीं मिली, जब भाग्य प्रचंड हुआ तो मेरे मित्र हस्तापुर में सो में और श्रीरांसी घर में आर हो ही गया। तब कहां चले गए सारे जगत के देवता? इसलिए ज्ञानियों जो जैसा है उसको वैसा मानो, अपनी स्वतंत्रता का हनन मत करो, सम्मान करना सीखो, अपमान किसी का करो मत, पर मिथ्यात को स्वीकार करो मत।
सम्मान किसी का सबका करो विवेक से, अपमान किसी का करो मत, पर मिथ्यात को स्वीकार करो मत। अपमान मत करो, ख्याल रखा अपमान करने में, नीच गुत का बंद होता है। इसलिए देवों को देव मानो, जिन देव को जिदेव मानो, और जिनकी जैसी विधा है उनका वैसा करो। मर्यादाओं के ऊपर चले जाओगे उपहास तुम्हारा होगा, मर्यादाओं के ऊपर चले जाओगे चक्रेश उपहास तुम्हारा होगा। मित्र शादी हो गई क्या? खड़े हो जाओ फिर। शादी है क्या? नहीं है। तो जब तुम्हारी शादी थी तब पिताजी थे कि नहीं थे? सुनना भैया, ये सबको खड़ा करता, मैं आज इसको समझा रहा हूँ। चक्रेश ईमानदारी से बोलना, जब पिताजी तुम्हारे थे शादी बारात में गए थे कि नहीं गए थे? गए थे। तुम्हारी बारात घोड़े पे निकली थी कि पालकी पे? हैं? वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, तो ये पूछ रहा हूँ बारात किस में निकली थी? घोड़े पे थी। अच्छा मित्र, तू ऊपर बैठा था, पिता पैदल चल रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी? अच्छा पिताजी की आज्ञा थी, ऐसा करो बेटा। पिताजी तो बहुत सारी आज्ञा देते, हमें भी कह रहे थे करो बेटा, लेकिन हमने तो नहीं करी ऐसे काम। लेकिन भाई समझ, ठीक है पिता की आज्ञा थी, तू बैठ गया। एक दिन की आज्ञा थी, इसके बाद रोज बैठता था क्या? मित्र एक दिन की आज्ञा थी, उस दिन तो पूरी समाज ने स्वीकार कर लिया था। अब तुमको पिताजी ने मुझे घोड़ी पे बिठाई दिया, ऊंचे और स्वयं पैदल चल रहे हैं, अब घर में आ गए तो पिताजी अब तेरे पैर पड़ेगा कि तू पिताजी के पैर पड़ेगा? पड़ूगा ना, आप ही पढ़ोगे ना। ऐसे ज्ञानी कहीं आवश्यकता पर, अरे पिता नर प्रसिद्धे तुम्हारी शादी हो रही थी इसलिए तुम्हें घोड़े बिठाया था, लेकिन पूज तो पिता ही था। ऐसे ज्ञानियों, जहां जिसकी प्रधानता होती है वहां प्रधान होता है, लेकिन पूज तो पूज ही होता है। इसलिए विवेक रखना चाहिए, मर्यादाओं में जियोगे कोई यूं नहीं कर पाएगा, और मर्यादाओं से बाहर चले जाओगे तुमको कोई स्वीकार नहीं कर पाएगा। बिराजो दोनों बैठ जाओ, समझ में आ गए पंडित जी? इनको पंडित साहब महिपाल जी खड़े होकर जल्दी समझ में आता है, लेकिन महिपाल बहुत ज्ञानी जीव है, वो तो पद्मनंदी महाराज से बिल्कुल विद्या लेके आया। विशुद्ध सागर बोले तुम चुप रहना, कुछ बोलने का नहीं, और बोले तो फंस जाओगे। इसलिए मालूम महिपाल, देखो आप बिल्कुल ज्यादा हुए तो मुस्कुरा देगा, लेकिन बोलता कुछ नहीं पंडित। क्या हुआ? कब तक नहीं बोलेंगे इस समय बताएगा। जिसमें संभ्रम्भ हो, समारंभ हो, आरंभ हो, ऐसे विषय का चिंतन नहीं करता योगी, उसकी मनोगुप्ति होती। ओहो हो, ये है धर्म। यानी शमरेश मारम्य आरम्य तहे हुआ बंधम भजम भक्तवाणम तो निमंत्रण जाय जयम जय। जिसमें यतन संपन्न, यतन पूरक संभ्रम्भ, समारंभ, आरंभ प्रवर्तने वाले वचन जहां नहीं होते हैं उसका नाम वचन गुप्ते होता है। अब करूंगा आपसे चर्चा, आपका समय हो गया। आज तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म कल्याणक है। पंडित ऋषभ देव के हो रहे ना, ऋषभ देव के पंजरे हो रहे ना, ऋषभ देव का जन्म है। क्या नियम? नरक के नारकी को भी एक क्षण को आनंद आता प्रभु के जन्म पर, देवता रत्न बरसाते हैं,
वो मेरे पास है नहीं है, मैं तो जिनवाणी बरसा रहा हूं, आप खुश हो रहे हो। रत्नों का क्या आनंद होगा, ये श्री मंडप में आप देखो सब लोग मुस्कुरा रहे हैं। पंडित जी मैंने एक नियम लिया है, वो नियम आप भी पालन करना, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो विधि पूर्वक करना, किसी को न संकलिशता देना न संकलिशित होना, बार बार पंडित को टोकना उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देना, और विद्वान को टोकोगे उसका दिमाग ठनक जाएगा, जैसे वाहन चालक को टोकोगे बार बार तो तुम ही खतरे में आओगे, वैद्य को चालक को ड्राइवर को पंडित को राजा को गुरु को बार बार टोको टोको मत, खतरे में आ जाओगे। चालक को टोकोगे गाड़ी कहीं गड़बड़ हो गई, राजा को बार बार करोगे तो फांसी लग जाएगी मित्र, और विद्वान से तुमने कुछ किया उल्टी सुधी क्रिया करे उल्टा हो जाएगा मित्र। मित्र वैद्य को ज्यादा टोका वो पता नहीं कौन सी दवाई खिला देगा, इसलिए इनसे तो भैया आए तुम्हारे पास जय जय हो तुम्हारी, लेकिन हमारे प्राण बचाओ। पंडित जी ऐसी क्रिया करना, ऐसी क्रिया करना कि कौशल अभी इंद्र बना, यहां पात्र बना है स्वर्ग का इंद्र बन जाए, और एक मंदिर की जगह नैमी घाट नैनी निमिया घाट में 50 मंदिर बन जाए, ऐसी प्रतिष्ठा कराना। ऐसी प्रतिष्ठा की विधि मत करना कि हमें ये पारसनाथ ले जाना पड़ जाए, अब तो ऐसी विधि करना या और पारसनाथ के 50 मंदिर बन जाए, कोई कमी ना रह जाए, कमी नहीं रह जाए, कमी ना रह जाए। कौशल उनकी नौछावर में तुम कमी मत कर देना, तुम कह पंडित जी जितनी नौछावर लग लग जाना है, लेकिन विधि में कमी ना रह जाए। उपदेश गुरु जी कर देंगे, आप तो क्रियाएं कराओ अच्छे से, आप ये पक्ष छोड़ दो कौन अब से करे कौन ना करे, जिनकी इच्छा तो करे, लेकिन हम भावों को विशुद्धि को समाप्त नहीं होने देंगे, परिणामों की निर्मलता मोक्ष मार्ग बराबर, क्योंकि पक्ष में लक्ष्य रहेगा तो विशुद्धि की हानि होती है 100%। मालूम वक्ता बोलना प्रारंभ करे मैं बता सकता हूं इसका लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य आत्मकल्याण का है, हर व्यक्ति को आनंद आएगा। जाओ कल फिर आओगे, अब सभी बड़े आनंद के साथ तीन लोक के नाथ का अभिषेक करो और जय जयकार के साथ करो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न, महावीर स्वामी की ओम ओम। जय बोलिए आचार्य भगवंत आचार्य विशुद्ध सागर महामुनिराज की, जय बोलिए समस्त आचार्य संघ की। महानुभाव इस पावन पुनीत जन्म कल्याणक की पावन बेला पर आचार्य भगवंत के दर्शनार्थ महान रत्न धर्म श्रेष्ठियों का मंगलमय यहाँ पर पदार्पण हुआ है।